मुद मंगल में संतन वास धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति दे रही है। अब आप थोड़ा कम करो, सिटी है। अभी सुन रहे थे भजन, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ। इस दुनिया में जो कुछ भी कला कौशल ज्ञान विज्ञान मत पंथ संप्रदाय इन सब का विकास दिखाई पड़ रहा है, कौन है इनका विकास करने वाला? हमारे और आपके जैसा कोई इंसान। दुनिया में जितने भी मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम बने हैं, कौन है बनाने वाला? हमारे और आपके जैसा कोई इंसान। ये जितने भी देवी देवता की मूर्ति है, चित्र है, छापने वाला बनाने वाला कौन है? हमारे और आपके जैसा इंसान। किसी भगवान ने आकर कहा है कि मैं महान हूं? उस भगवान की कल्पना करने वाला हमारे आपके जैसा कोई इंसान ही है। याद रखें, पहले इंसान है तब भगवान है। लोग कहते हैं पहले भगवान है तब इंसान है, लेकिन हकीकत क्या है? पहले इंसान है तब भगवान है। चंद्रमा में हमारे वैज्ञानिक पहुंच गए हैं और वैज्ञानिक ये प्रयास में लगे हुए हैं कि हम चंद्रमा पर आदमियों की बस्ती बसाएं। चंद्रमा में वैज्ञानिक पहुंचे, वहां कोई मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं, गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम नहीं है, वहां कोई देवी देवता नहीं है, वहां कोई भगवान भगवती नहीं है। जिस दिन आदमी जाएगा ये सब पैदा कर लेगा। पहले इंसान तब भगवान। आदमी को भगवान की आवश्यकता होती है क्योंकि आदमी दुखी है। अपने प्रयत्न से, परिश्रम से आदमी जब दुख से छुटकारा नहीं पा सकता, नहीं पा पाता, तब कल्पना कर लेता है कि कोई आकाश में बैठा है। जब तक आदमी की अपनी शक्ति चलती है तब तक भगवान की आवश्यकता नहीं है। शक्ति के बाहर होती है तब भगवान की मर्जी, तब भगवान जाने वाली बात होती है। इसलिए आप कोई भी हो, अपने को कभी भी नीच अछूत कमजोर न समझे। हर व्यक्ति में महान शक्ति छिपी हुई है। आवश्यकता है उस शक्ति को पहचानने की और पहचान करके उसका उद्घाटन करने की। महाभारत के शांति पर्व में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है। दो पंक्तियां हैं और दोनों पंक्तियों में दो बातें कही गई है और दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, नाहम शब्दः प्रक्षिपामि किंचित् दमम द्वारम यह अमृतस्य वेद्मि गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि। न मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित्। पहली पंक्ति में वेदव्यास जी कहते हैं, नाहम शब्दः प्रक्षिपामि किंचित्। इसका भावार्थ है कि लोगों ने मुझे गाली दी,
किंतु बदले में मैं किसी को थोड़ी भी गाली नहीं देता हूँ। हमें और आपको कोई गाली दे देता है, कटु कह देता है, अपशब्द कह देता है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं और गुस्से में क्रोध में आकर के लड़ने झगड़ने को मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वेदव्यास जी क्या कहते हैं, लोगों ने मुझे गाली दी किंतु मैं बदले में गाली नहीं देता। वेदव्यास जैसे महापुरुष को गाली मिली, और वेदव्यास ही क्यों, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको गाली मिली है, सबको सबकी निंदा हुई है। कबीर की निंदा हुई, कबीर को भला बुरा कहा गया, तुलसी को कहा गया, विवेकानंद को कहा गया, दयानंद को कहा गया, बुद्ध और महावीर को गाली दी गई, उनकी आलोचना की गई, निंदा की गई, राम और कृष्ण को भला बुरा कहा गया, हजरत मोहम्मद को भला बुरा कहा गया, विरोध किया गया, उसके हत्या के लिए षड्यंत्र किया गया, ईसा मसीह को भला बुरा कहा गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कौन बचा है? दुनिया में एक भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ है जिसकी बुराई न हुई हो, जिनका लोगों ने विरोध ना किया हो। हमारे जैसे छोटे से आदमी को किसी ने भला बुरा कह दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने बुराई कर दी, तो इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है? याद रखें, बार बार बात वही जाती है, हम जो भक्ति करते हैं, हम जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, धर्म के नाम पर हम जो कुछ करते हैं, सबकी कसौटी क्या है? प्रतिकूलता पाकर, दुख पाकर, गाली निंदा अपमान पकड़ के उत्तेजित न होना, किंतु शांत रहना, धैर्य रखना, सहनशील बनना, ये पूजा पाठ धर्म आदि की कसौटी है। मेहनत पड़ेगी किंतु बिना मेहनत के कौन काम सफल हुआ है? हर काम में मेहनत है। जितना सहनशील होंगे, जितना धैर्य रखेंगे, उतने ही हम धर्म और भक्ति और पूजा पाठ को समझ सकेंगे। ये किसी शास्त्र की बात नहीं है, किसी पोथी पुराण की बात नहीं है, बात है हमारे और आपके जीवन की। सारे शास्त्र एक और रख दो, ठीक है, आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो शास्त्र पढ़ें, लेकिन शास्त्र प्रमाण के बल पर हम चाहें कि सत्य को समझ लेंगे तो धोखा है, क्योंकि शास्त्र एक नहीं है, शास्त्र अनेक हैं। किस शास्त्र प्रमाण मानोगे? इसलिए करना क्या है, विवेक, विवेक को देना पड़ेगा। बात नहीं कर रहा था, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर उलझते रहे, किसी ने गाली दे दी, दुखी हो गए, इतने कमजोर, इतने कमजोर, एक बैल को गाली दो, बैल के सामने खड़े हो जाओ, एक गधा के सामने, घोड़ा के सामने, कुत्ता बिल्ली के सामने, ऊंट के सामने खड़े होकर के खूब उसकी बुराई करो, खूब गाली दो, मस्त घास, जानवर घास खाते रहेंगे, जुगाली करते रहेंगे, और आपको मालूम मजाक उड़ा लेंगे। और हम अपने को बुद्धिमान मानते हैं, समझदार मानते, बड़े भगत, धार्मिक पुजारी, पता नहीं क्या क्या मानते हैं, थोड़ी सी गाली सुन करके इतना दुखी, इतना दुखी, एक बैल से भी गए बीते, एक गधा से भी गए बीते, किस बात का अहंकार?
किस लिए महान है? ये भक्ति कसौटी क्या है आपकी? ये पूजा पाठ और धर्म की कसौटी क्या है? साधु महात्मा होने की कसौटी क्या है? गंगा नहाने की कसौटी क्या है? यदि सहनशीलता नहीं बढ़ी, धैर्य नहीं बढ़ा, भीतर की उत्तेजना शांत नहीं हुई, भीतर की गर्मी शांत नहीं हुई, तो क्यों कर रहे हो सब दिखावा? नखरा बनाए राम ना मिले है कहा गया। ये नखरा बनाते हैं हम लोग, नखरे बाज हो चुके हैं। ये नखरा काम नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि स्वयं किसी को गाली मत दो। गाली सिर्फ हमारी असभ्यता और मूर्खता की पहचान होती है। हमारे भीतर जितनी मूर्खता होगी और जितनी असभ्यता होगी, उतनी जबान से गाली निकलेगी। कोई हमें मूर्ख और असभ्य कह दे तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। उन्होंने मुझे मूर्ख कह दिया, मुझे असभ्य कह दिया। मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान, इतना भजन भक्ति करने वाला, इतना बड़ा पुजारी धार्मिक, इतना बड़ा साधु, उन्होंने मुझे मूर्ख कह दिया, उन्होंने मुझे असभ्य कह दिया। बड़े दुखी हो गए। लेकिन सोचो जरा, यदि भीतर मूर्खता नहीं है, असभ्यता नहीं है, तो जबान से गाली कैसे निकल रही है? जो सचमुच का ज्ञानी होगा, जो सचमुच में सभ्य होगा, उसकी जबान से किसी के लिए गाली नहीं निकलेगी। दूसरा कोई गाली देता है तो देने दो, किंतु हम गाली न दें। बात बात में गाली, बात बात में गाली, घर में ही गाली। कितने ऐसे लोग होते हैं घर के लोगों से ही गाली दे करके बात करते हैं। इतनी भी अकल नहीं है। आप गाली दोगे, आपका बेटा गाली सीखेगा। ये समझ लेना होगा, हर बच्चे की, हम सब कभी न कभी बच्चे तो रहे हैं, हर बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद और पहला शिक्षक, पहला गुरु माँ होती है। फिर पिता, फिर दादा दादी, नाना नानी, परिवार के लोग। घर आपका घर पाठशाला है। बचपन में क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? कैसी सीख दे रहे हो? कम से कम अपने घर के वातावरण को तो चार साल पांच साल तक बच्चा घर में ही रहता है। माता पिता कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खाते पीते हैं, अपने से बड़ों से कैसे व्यवहार करता है, आपका बच्चा सीखता रहता है। और बचपन में जो सीख जाता है वो बुढ़ापे तक रह जाता है। जवानी में सीखा हुआ भूल जाएगा, बचपन में सीखा हुआ नहीं भूलता है जल्दी। इसलिए अपनी संतान से अपने बुढ़ापा में गाली नहीं सुनना चाहते हो तो अभी से गाली बकना, गाली किसी को गाली देना बंद कर दो। गाली भीतर की असहनशीलता, असभ्यता और मूर्खता की पहचान। ये शास्त्र की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। वेद व्यास जी कहते हैं, नाहम सत्प्रसभा में किंचित। लोगों ने मुझे गाली दी, किंतु बदले में मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। ये विजय है। गाली देने वाला बड़ा नहीं होता, गाली सुन करके शांत रह जाने वाला बड़ा होता है। कोई छोटा कहलाना पसंद नहीं करता, बड़ा कहलाना पसंद करता है। लेकिन जब गाली देते हैं हम किसी गाली दे रहे हैं तो छोटे हो जाते हैं, और हमारी गाली सुन करके कोई मुस्कुरा कर रह जाता है तो हमसे बड़ा हो जाता है। छोटे बने रहना चाहते, छोटे कहलाना चाहते हैं, बड़ा कहलाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, सोच लेने की आवश्यकता है।
तो वेदव्यास जी ने जब कहा कि मैं मुझे लोगों ने गाली दी किंतु मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता, तो किसी ने पूछा, महाराज आप गाली क्यों नहीं देते? क्या गाली देना नहीं आता है या कोई कमजोरी है आप में? क्या कारण है गाली नहीं देते आप? वे कहते हैं, दमम द्वारम या अमृषेह वेदनि, क्योंकि मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना, झुक जाना, सहन कर लेना अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। हर आदमी अमृत चाहता, अमृत का नाम सुना हो, सबने सुना, सबने सुना है, सबने अमृत नाम सुनते ही आदमी के मन में एक लालच आ जाता, उत्कंठा हो जाती, कब अमृत मिले, हम भी खा ले या पी ले और अमर हो जाए, कितना स्वादिष्ट होगा अमृत। ऐसा अमृत केवल किताबों में लिखा है, कहीं है नहीं। सुना यह भी होगा, देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निकले, उन्हीं रत्नों में एक रत्न अमृत निकला और एक रत्न हलाहल जहर निकला। समुद्र में अमृत और जहर, जहर बनाने का कारखाना नहीं चल रहा, मशीन नहीं लगी है, वहां से समुद्र मथोगे तो अमृत निकल जाएगा। रूपक है ये, समुद्र को क्या मथोगे, कहानी है, रूपक है, ये समझ लो। हमारा जो हृदय है ये समुद्र है, दया क्षमा सत्य धीर विवेक विचार प्रेम समता शीलता सेवा भक्ति, ये अमृत है। ईर्षा द्वेष घृणा बैर विरोध लोभ लालच मोह ममता ईर्षा राग द्वेष विषय विकार, ये जहर है। निकालना क्या चाहते हैं, मत करके क्या निकाल रहे हैं? बाहर कहीं जहर तो मिलेगा, गांव गांव में जहर की दुकान खुल गई है, अमृत कहीं नहीं मिलने वाला है। अमृत हमारे और आपके भीतर है। संतोष अमृत है, दया अमृत है, क्षमा अमृत है, सत्य अमृत है, सहनशीलता अमृत है, विवेक अमृत है, मीठा व्यवहार अमृत है, प्रेम अमृत है और मीठी वाणी अमृत है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है बहुत मुलायम बोलना, बड़ी मीठी वाणी बोलना, प्रेम से बोलना, उन्हें कभी गुस्सा आता ही नहीं है। लोग कहते भैया आदमी तो ऐसा बोलता है मानो उसके मुख से अमृत निकल रहा है। ये मीठी वाणी का अमृत हर स्त्री पुरुष के पास है, उम्र चाहे जिसकी जो भी हो। यहां वेदव्यास जी कहते हैं, दमम द्वारम है अमृत से वेदनि, अपने मन को मार लेना, झुक जाना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। थोड़ा सहना सीखिए, धैर्य रखना सीखिए। कहां तहां उलझोगे, किससे किससे उलझोगे? छोटी सी जिंदगी, इसका दीपक कब बुझ जाए पता नहीं चलेगा। उलझ उलझ करके, उबल उबल करके कब तक? साहब ने कहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही ला। साहब कहते हैं कि मैं देखता हूं कि अपनी अपनी आग में हर आदमी जल रहा है। आग भी क्या अपनी और पराई होती है? ये जो बाहर की आग होती है ये अपनी और पराई नहीं होती। ये बाहर की आग में तो कभी कभी कोई जल जाता है, लेकिन भीतर की आग में हर आदमी जल रहा है। और जो भीतर आग लगी है, ये आग हर आदमी के लगी कि अपनी बनाई है, ईर्ष्या की आग, द्वेष की आग, वैर विरोध की आग, लोभ मोह की आग, विषय विकार की आग, क्रोध की आग, लोभ लालच की आग, ये कौन बनाता हमारे और आपके भीतर? हम बनाते हैं। और इसी आग को बुझाना, जो भीतर आग है, ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध लोभ लालच आदि की जो आग है,
इसी आग को बुझाना धर्म का काम है, इसी आग को बुझाना पूजा और भक्ति का काम है। पूजा तो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, धर्म का काम भी कर रहे हैं, ईर्ष्या कितनी दूर भी, आग बुझी या नहीं बुझी, भीतर का शीतल हो जाना, जब तक मन शीतल नहीं होगा, अंतकरण शीतल नहीं होगा, कोई काम आने वाला नहीं, ना गुरु काम आएंगे, ना महात्मा काम आएंगे, ना भगवान काम आएंगे। गुरु और संतों का काम है, बड़े बुजुर्गों का काम केवल रास्ता बताना। हमारे भीतर की जो आग है इसे हमें बुझाना पड़ेगा। मेरे भीतर क्रोध की आग जल रही है, मेरे गुरु वहां कैसे बुझा देंगे, पानी डाल करके घर में आग लगी बुझा दोगे। मेरे भीतर ईर्ष्या की आग लगी है, मेरे गुरु उसे बुझाएंगे कैसे, रास्ता बताएंगे। बेटा ये रास्ता भी चलो। तो संत महात्मा का काम, माता पिता का काम, बड़े बुजुर्गों का काम, सज्जनों का काम रास्ता बताना है। लेकिन जिस किसी साधन से हमें भीतर की आग बुझाना होगा, और जितने भीतर की आग बुझ गई, वही पुजारी, वही धार्मिक, वही भगत, वही सत्संगी, वही साधु, वही महात्मा, बाकी दिखावा। इस बात को हमें समझना होगा, काम हमें ही करना होगा। ये सत्संग में आए हो सिर्फ, या सत्संग में क्या मिल रहा है आपको, किस्सा कहानी की बात नहीं बताई जा रही है आपको। उसने अमुक को मार दिया, तो उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने आशीर्वाद दे दिया, ये बात नहीं है। इसके तो खंडन किया जा रहा है यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम। जीवन का निर्माण कैसे करना है, हमारे जीवन के मालिक, हमारे जीवन के विधाता, हमारे हमारे कर्म और भगत विधाता, कोई ऊपर वाला नहीं है, हम स्वयं हैं। हर व्यक्ति अपने भाग्य का, कर्म का विधाता, सुख दुख का विधाता है। इसलिए स्वयं जागना होगा। तो दमन द्वारा है उसे वेद में, वेद व्यास जी कहते हैं कि अपने मन को मार लेना, झुक जाना, सहनशील बन जाना, धैर्य रखना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। यदि किसी ने आपको गाली दी तो करना क्या है, उन्होंने गाली दी और आपको भी गाली देने का मन हो गया, ठीक है, आप भी गाली दीजिए, लेकिन कब कैसे। जैसे किसी ने कहा चलो भाई आज बलिया चलना है, आप कहते हो भैया आज फुर्सत नहीं है मुझे, कल चलूंगा या परसों चलूंगा। किसी ने कहा चलो वहां सत्संग हो रहा है, कथा हो रही, चलो भैया जाना तो है, सही है, सत्संग में जाना जरूरी है, लेकिन अभी फुर्सत नहीं है, शाम के समय या कल जरूर चलूंगा सत्संग में। ऐसे ही जब किसी ने आपको गाली दी, कोई हो, घर वाले ने, बाहर वालों ने गाली दी, तो आप कहना भाई तुमने मुझे गाली दी है, मेरा भी मन गाली देने का है, लेकिन अभी फुर्सत नहीं है, कल गाली देने के लिए आऊंगा। बस जब कहते हैं ना अमुक काम करने के लिए, अमुक काम करो, भाई अभी तो फुर्सत नहीं भाई, अभी तो ये काम कर रहा हूँ, कल काम देखूंगा। तो ऐसे ही कहना किसी को, तुमने गाली दी, मैं भी गाली दूंगा, लेकिन अभी फुर्सत नहीं है, कल दूंगा या परसों दूंगा, दो दिन बाद दूंगा आने के लिए, दे पाओगे क्या। यही रास्ता है बचने का। लेकिन हम सब काम के लिए बहाना कहेंगे अभी फुर्सत नहीं है, और झगड़ने के लिए हर समय आदमी समय है। कभी कहते हो तुमने मुझे गाली दी लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है, तत्काल, तत्काल का काम, तत्काल। यही तो हमारी कमजोरी है। भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, धर्म का काम भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, और गलत बात को तत्काल दे देते हैं, यही कमजोरी है। और यही कमजोरी हमारे दुख का कारण बनती है, यही कमजोरी हमारे जीवन को आग से भर देती है, जहर से भर देती है। अपनी इसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करना, इसी के लिए सत्संग, भक्ति, पूजा पाठ की आवश्यकता होती है। जानते हर आदमी, जानता तो हर आदमी है, लेकिन कमजोरी क्या होती है, हम जानते हैं ज्ञान की बातें, ऐसा करना उचित है,
लेकिन जानते हुए भी कर नहीं पाते। और कहते हैं गुरु जी आपने अच्छी बातें बताई, ये बात मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। लेकिन भाई याद रखने के लिए नहीं बता रहे हैं गुरु जी, गुरु जी करने के लिए बता रहे हैं। याद तो है, करते हो नहीं करते हो? एक चुटकुला याद आ गया। एक व्यक्ति ने 50-55 साल की उम्र, वो आप सबके लिए भी है, 50-55 साल की उम्र, अपने अपने बेटे को बुलाया। बेटे की उम्र भी 27-28 साल की हो गई थी, शादी नहीं हुई थी बेटे की। तो व्यक्ति ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें अपने जीवन का अनुभव बताना चाहता हूँ, और यदि मेरे जीवन का अनुभव तुम याद रखोगे, मेरी बात मान लोगे, तो तुम जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे, जिंदगी में सदैव सुखी ही जीवन जियोगे। पिता की बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी आपका जो अनुभव है वो तो मेरे लिए धरोहर है, बताएं कि आपका अनुभव क्या है। तो पिता कहता है, बेटा शादी करके मैंने भयंकर गलती की थी, लेकिन शादी तो हो गई, निभाना तो पड़ा। शादी करके मैंने भयंकर गलती की थी। यदि तुम पूरी जिंदगी सुख से जीना चाहते हो तो कभी भूल कर भी शादी मत करना। एक पिता अपने बेटे कह रहा है कि शादी करके मैंने भयंकर गलती की, तुम जीवन भर सुखी रहना चाहते हो तो कभी भूल कर भी शादी मत करना। पिता की बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी आपकी इस बात को मैं गांठ बांधता रखूंगा, सदैव याद रखूंगा, और अपने बेटे को ही बताऊंगा, बेटा तू सुखी रहता कभी शादी मत करना, समझ गए ना? ऐसे हम लोग गुरु जी की बात बड़े याद रखते हैं, बहुत याद। गुरु जी आपकी बात हमें याद है, आपने ऐसा कहा था, करते कितना है? कमजोरी यहां आती है हमारी। तो जो हम जानते हैं उतारना पड़ेगा। जानता कौन नहीं है? आप लोगों में से किसी को ही दे दो, इन ये देवियां बैठी है, आप लोग बैठे किसी दे दो, अपनी भाषा में हमसे अच्छी बातें आप बता सकते हैं। हम यहाँ बैठ गए, मन पर माइक सामने आ गया, बोल दिए, ये हमारी विशेषता नहीं है। हमारी विशेषता तो तब होगी जो हम आपको बता रहे हैं वो बात हमारी जीवन में आचरण में आए, नहीं तो ये केवल एक व्यवसाय है, बस धंधा है। तो सहनशील हो जाना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है, ये वेद व्यास की पहली बात है जो महाभारत उन्होंने कही। मैंने एक मंत्र कहा था ना, नाहम शब्द प्रतिसमामि किंचित दमन द्वारम यमृषे वेदमि। ये पहली बात हो गई कि किसी की गाली को सुन करके क्षुब्ध दुखी मत हो, सहन कर लो, शांत रह जाओ, अमृत के द्वार में प्रवेश कर जाओगे। बड़ा सरल है अभ्यास करने से। अब दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो बातें हमने भजन में सुनी कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, यही बात महर्षि वेद व्यास भी कहते हैं, गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्। मैं एक गोपनीय बात बता रहा हूँ कि दुनिया में मनुष्य से बढ़कर, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। ये वेद व्यास कहते हैं महाभारत में कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। क्यों आप अपने को अभागा समझते हो? क्यों अपने को दुर्बल समझते हो? क्यों अपने को कमजोर समझ रहे हो? आप में महान बल है, अपने बल को समझें, पहचानें, उठें, जागें, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त परानि बोधत। ऋषियों ने कहा उठो जागो, और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के सही रास्ता मालूम करो, सही ज्ञान प्राप्त करो, उस रास्ते पर चलो, तब होगा।
और मनुष्य ये चलता फिरता भगवान। मैंने कहा था सुबह कबीर साहब की पंक्ति, आंख न मूंदो कान न रूंदो काया कष्ट न धारो खुले नैन हजर पहचानो सुंदर रूप निहारो। इस मनुष्य से बड़ा भगवान आपको कहां मिलेगा, प्रत्यक्ष भगवान। एक सूफी संत ने बहुत बढ़िया बात कही है, ऐसा लगता है मानो कबीर साहब ही कह रहे हैं। उच्चारण में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है मेरी, लेकिन मूल बात पर ध्यान देना। सूफी संत क्या कहते हैं, मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मखलूक ही मजहरे खालिक, मखलूक प्राणी, प्राणी ही दुनिया में प्रत्यक्ष परमात्मा है, प्रत्यक्ष खुदा है, लेकिन इंसान अशरफुल कुल मखलूकात है। इंसान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में ये प्राणी प्रत्यक्ष परमात्मा खालिक है, मखलूक ही मजहरे खालिक है, और इंसान प्राणियों में श्रेष्ठ होने से सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। आपको परमात्मा का ही बाहर से पाना नहीं है, बाहर का परमात्मा उधारी का परमात्मा होगा, मिलेगा छूट जाएगा। अपने परमात्मापन को स्वयं समझिए। घूंघट का पट खोल रहे तो को उपयोग मिलेंगे, कबीर साहब कहते हैं। ये घूंघट का पट क्या है, अविद्या अहंकार राग द्वेष मोह माया, ये तमाम जो कर्मकांड का जाल है ये सब घूंघट का पट है। कर्मकांड की आवश्यकता होती है थोड़ी बहुत, जो बिल्कुल सामान्य बुद्धि के लोग हैं जो बहुत नहीं समझते उनके लिए कर्मकांड की आवश्यकता, चलो कुछ न कुछ तो कर रहा है, कमाने कबूतर बच्चे को समझाया जाता है, उसी बहाने से बच्चा पढ़ना जानता है। लेकिन बच्चे को बच्चा कब तक बनाए रखोगे, आप कब स्वयं बच्चा कब तक बने रखोगे। तो धर्म के मार्ग में लगने के लिए कुछ कर्मकांड की आवश्यकता होती है शुरुआत में, लेकिन कब तक बच्चा बने रहोगे, कर्मकांड में उलझे रहोगे, खिलौना उलझे रहोगे। अब उम्र बढ़ गई, सब कुछ जान लिए तो ऊपर उठना पड़ेगा ना। तो घूंघट का पट खोल रहे तो कोपी मिलेंगे, वो घूंघट ये बाहरी आडंबर, ये बाहरी दिखावा। घूंघट हमारे मन का मुंह, हमारे मन का ज्ञान और हमारे मन का अहंकार, बाहर भी घूंघट है और बाहर भी घूंघट है। महिलाएं साड़ी पल्लू से चेहरे को ढक लेती, घूंघट है, ये तो प्रतीक है कबीर साहब का। भीतर का घूंघट मैंने कहा, स्वार्थ अहंकार अज्ञान, इनको दूर करना होगा। और बाहर का घूंघट धर्म के नाम पर तमाम प्रकार के जो उलझनपूर्ण बातें हैं, जो हमें सच्चे धर्म से भटका देने वाले हैं। इस सब का त्याग करना होगा। शुरुआत में आप करते हो करो, लेकिन कब तक करते रहोगे। सही ज्ञान को समझो, और सही ज्ञान को समझते समझते ऊपर उड़ जाएंगे। सही ज्ञान का अर्थ क्या होता है, जिस ज्ञान में कोई भ्रम नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, अंधविश्वास नहीं होता, उस भ्रम से उठना होगा। ये आज का जमाना पढ़ाई लिखाई का जमाना, कहाँ से कहाँ शिक्षा पढ़ गए, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वैज्ञानिक चंद्रमा पहुँच गया, मंगल पहुँच गया, शनि ग्रह, पता नहीं क्या क्या, कितने सेटेलाइट भेज रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। और हम वैज्ञानिकों की जो देन है, ये मोबाइल आज सब प्रयोग कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़ गई, लेकिन दिमाग कहाँ घूम रहा है। आज से हजार साल पहले बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े नेता हैं, बड़े अफसर हैं, अब पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े हैं, भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। हम तो आपके गांव में पहली बार आए हैं, आपके गांव में आसपास में जितना भी कहीं भूत प्रेत होते हो,
तो हमें कह दो, हम वो हमारे पास भेज दो, जाएंगे प्रयागराज संगम में सबको ठंडा कर देंगे। भूत प्रेत होता कुछ नहीं है। लोग कहते हैं महाराज भूत प्रेत कैसे नहीं होते, हमने भूत देखा है, साक्षात भूत देखा है। कैसा देखा है भाई साक्षात भूत? अरे महाराज भूत साक्षात देखा, धुआं निकल रहा था बहुत तेजी से भूत के मुख से, जिनके जिनसे मुख से धुआं निकले समझना वही भूत है, वहाँ पर बैठना मत, उसके पास मत जाना। इसलिए मुँह से धुआं मत निकल, धुआं निकाल कर भूत मत बनना भाई, नहीं तो तुम्हें भी भूत बना देगा वो। भूत प्रेत जादू टोना मंत्र तंत्र ग्रह लगन दिशा सूल ये सब केवल बकवास है। कौन कहता है, कहाँ लिखा है, कितने गुरु कहते हैं, कहने दो। कितने कितने आप भ्रम में जी रहे हो, रास्ता में जा रहे हो, बिल्ली इधर से उधर निकल गई, 6 फीट का आदमी ये और 1 फीट की बिल्ली, बस डर गए, बिल्ली बड़ी हो गई और आप छोटे हो गए, खाली घड़ा देख लिए, किसी ने छूक दी कि किसी ने छींक दिया, किसी ने टोक दिया, कहाँ जाते हो, काम बिगड़ जाएगा, इतना दिमाग कमजोर है कैसे ऊपर उठोगे? कुछ नहीं होने वाला है, केवल आपके आपके मन की कमजोरी ही है। सब बचपन में आपको बता दिया गया है, इसलिए अपने बच्चों के बताओ मत। जिस दिन जो काम करना है करो, ग्रह लगन देखने की कोई आवश्यकता नहीं, हर दिन लगन है। कभी कहते हो पंडित जी मुझे झगड़ा करना है, थोड़ा देखो तो लगन किसके समय है, कौन समय मुहूर्त है झगड़ा करने के लिए, कभी पूछती हो क्या? पंडित जी झूठ बोलना है, थोड़ा देखो तो किस समय झूठ बोलने से काम बढ़िया बनेगा, पूछते इसके लिए? झगड़ा करने के लिए, गाली देने के लिए, मारपीट करने के लिए, कला कल्पना करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, घूस लेने के लिए, मिलावटबाजी करने का, हर समय मुहूर्त, हर समय लगन। कितना भटका हुआ है आदमी, आज का पढ़ा लिखा आदमी कैसे कह पढ़ा, ग्रह आकाश में तैर रहे हैं करोड़ों किलोमीटर दूर, अंगूठी बांध करके ग्रह को यहाँ से सीधा कर रहे हैं, इतनी व्यकल नहीं है लोगों की? ग्रह कभी टेढ़ा नहीं होता, याद रखो। ग्रह वो है आपके मन का जो लोभ मोह है, वो ग्रह है जिसने आपको और हमें पकड़ रखा है। ये मन के ग्रह को दूर करो, बाकी सब ग्रह ठीक हो जाएंगे। जिस दिन जहाँ जाना हो जाओ, मंगल बुध उत्तर दिशा काला ये कहा गया है, मंगल और बुध को उत्तर जाओगे तो काल हो जाएगा, मतलब भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है, उत्तर में दिल्ली है, कन्याकुमारी से मंगल और बुध को जो ट्रेन छूटती सब का एक्सीडेंट हो जाता है, सब लोग मर जाते हैं, ऐसा होता है क्या? बिफे दक्षिण करे पयाना फिर नहीं समझो ताको आना, मतलब जो गुरुवार को दक्षिण जाएगा समझ लो लौट कर घर नहीं आएगा। सरकार को कहो दिल्ली से मद्रास के लिए, नागपुर के लिए, कन्याकुमारी के लिए ट्रेन बस सब बंद कर दिया करे। कितना दिमाग कमजोर है आपका, पढ़े लिखे हो, आज के जमाने में जी रहे हो, ये दिमाग रख करके करोगे काम, ये दिमाग रख करके सुखी से सुखी जीवन जी सको, आगे बढ़ोगे? समझो अपनी शक्ति को, विवेक का प्रयोग करो, तो ग्रह लगन जादू टोना मंत्र तंत्र शकुन अपशकुन दिशाशूल अंधविश्वास ये सब केवल मन को कमजोर करने वाले हैं, ये सब बकवास है। जितना पढ़ोगे उतना कमजोर होगे और ठगाओ जाओगे। कोई ज्योतिषी आपके हाथ को देख करके आपका भाग्य नहीं बता सकता। हाथ मत दिखाओ, हाथ से काम करो। किसी तांत्रिक पास जाकर पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें संकट है और तुम किसी के पास गए पूजा करवाने के लिए, बैगा के पास गए, ओझा के पास गए, झाड़ फूक करने वाले के पास गए, ज्योतिषी के पास गए, तांत्रिक के पास गए, किसी पुजारी के पास गए, किसी साधु बाबा के पास गए, महाराज जी ये संकट है, कहेंगे तुम्हें ये पूजा करवा लो, वो पूजा करवा लो। तुमने पूजा करवा लिया, 1000-2000 दक्षिणा मिल गई, तुम्हारा संकट दूर हो या न दूर हो, पूजा करने में संकट तो दूर हो ही गया क्योंकि दक्षिणा मिल गई उसको। इतने भ्रम में पड़े हुए हो कि क्या कहा जाए। जागो, समझो,
कबीर साहब का काम जगाना है। तो बात में ये कह रहा था, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये वेद व्यास कथन है महाभारत में कि दुनिया में मनुष्य से बढ़कर के कोई नहीं है, आप अपने खुदा हैं। जब तक बंधनों में पड़े हुए हैं, विकारों से विकारों में डूबे हुए हैं, तब तक बंदा हैं, और विकारों का त्याग कर दिए आप अपने लिए खुदा हैं। जब तक लोग मुंह में पड़े हुए हैं, दिन दरिद्र हैं, ऊपर उठ गए तो आप ईश्वर हैं। भागवत पुराण का एक मंत्र कहूँगा और अपनी बात समाप्त करूँगा। भागवत पुराण में कहा गया है, दरिद्रो यश संतुष्टा कृपणो यो अजितेंद्रिय गुणेश शक्त धीरीशो गुण संगो विपर्यया। दरिद्र कौन? जो असंतुष्ट है। ईश्वर कौन? गुणेश शक्त धीरीशो, जो कहीं लोभ मोह नहीं करता, जिसके मन में कोई आदत नहीं, आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, सबसे ऊपर निष्काम निर्मोह निर्लोभ है वो ईश्वर। वो ईश्वर हर आदमी बन सकता है। इसी के लिए हमें धर्म की आवश्यकता होती है, इसी के लिए साधु संगति की आवश्यकता होती है। जागो और जाग करके सन्मार्ग में लग करके आज इसी जीवन में पूरा का पूरा अपने आप को, मन का जो दुख है, मन की जो पीड़ा है, इससे बचा सकते हो। धर्म का, भक्ति का, पूजा सत्संग का काम है मन की पीड़ा से मुक्त होकर के पूरी शांति संतोष प्रसन्नता से जीवन जीना। इसी में अब यही जीवन की सार्थकता होगी। दो दिनों का सत्संग कार्यक्रम, दोनों समय के सत्र में आप लोग आए और धैर्यपूर्वक बैठ करके ये बातें, ऐसी बातें हुई है, ये बातें जो आज बताई गई आज और कल, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पहली बार सुनने को मिली होगी ऐसी बात। कथा कीर्तन बहुत सुना होगा, पुराण ध्यान बहुत सुना होगा, लेकिन ये बात आप पहली बार सुने होंगे और लगा होगा बाबा लोग कैसी बातें कह रहे हैं। लेकिन विचारो जरा, जो बातें बताई गई है वो बातें सच है या नहीं है। सच लगे तो मानना, नहीं तो छोड़ देना बस जहाँ के तहाँ। लेकिन विवेक पूर्वक मानो, और विवेक पूर्वक जब मानकर चलोगे तभी दुख से मुक्त हो जाओगे। हमारी ओर से, संत समाज की ओर से यही शुभकामनाएं हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करके, सही रास्ते पर चल करके, अपने स्वभाव सुधार करके, इसी जीवन में परम शांति, परम आनंद, परम सुख का अनुभव करें और अपने मानव जीवन जो पाए हैं इस जीवन को सार्थक करें। इन्हीं यही बार बार शुभकामनाएँ हैं। पुनः पुनः धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम।